देखिए, अगस्त माह में मुंबई के लाखी परिवार है जो दानी दाता है, उन्होंने हमारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वो केदारनाथ जी के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। हमने उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुरातत्व विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं और धार्मिक मामलों के जानकार लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे सबसे चर्चा करी, सलाह मशविरा किया और तदुपरांत उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करी। और इस क्रम में विगत 3 दिनों में लगातार वहाँ पर गर्भगृह में कार्य चलता रहा और पूरी तरीके से जो गर्भगृह की दीवारें हैं उनको स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों जो चौखट होती है जिसे जलेरी कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित हुई है। और इसके अलावा दानी दाता द्वारा एक छत्र भी, स्वर्ण मंडित छत्र भी चढ़ाया गया है और उसके साथ में जो घड़ा होता है, जलधारा जिसे कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित है। तो कुल मिलाकर के जो इस कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात जो केदारनाथ जी का गर्भगृह है उसका एक अलौकिक दृश्य श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है, भव्य और दिव्य स्वरूप। और उसके साथ में जो लाइटिंग वहाँ पर की गई है उसे अलग ही एक छटा केदारनाथ जी के गर्भगृह की देखने को मिल रही है। हल्ला मत करो प्लीज। और देश के